Sudhuti Naman, today I am going to solve the question number 3 to 5 from exercise 5B. So let's start. Question number 3. Write all the factors of 10, 18, 63 and 92 and so on. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए सॉल्व करेंगे. इसमें आपको 10 के सारे फैक्टर्स राइट करने हैं. सो द सॉल्यूशन ऑफ 3A 10 के फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं. 10 के फैक्टर्स का मीन ये है कि 10 हमारा किस किस से डिवाइड हो सकता है, या किस किस, अगर आप इजीली जानना चाहेंगे तो किस किस डिजिट की टेबल में 10 का यूज़ होता है. तो 10 के फैक्टर्स हमारे होंगे. एक तो सबसे पहले हमारा होता है कि हम 1 का यूज़ करेंगे. 1 प्रत्येक डिजिट का फैक्टर होता है, इसलिए 1. 2 5 जब 10 होता है तो 2. 5 2 जब 10 होता है इसलिए 5 और 10, क्योंकि नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होता है. 10 वन जा 10, तो ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं 10 के. दिस इज अवर आंसर. एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर डी, सॉल्यूशन 3D. डी में हमें क्या करना है? डी में हमें 92 के फैक्टर्स राइट करने हैं. तो 92 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या होंगे? 92 के हमारे फैक्टर्स होंगे, सबसे पहले क्या होगा हमारा? सबसे पहले हमारा होगा 1. 92 हमारा 2 से भी डिवाइड हो सकता है. क्यों? क्योंकि इसमें हमारी वंस की प्लेस पर 2 है. जिस डिजिट में वंस की प्लेस पर 2 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए ये 2 से भी डिवाइड होगा, यानी 92 का एक फैक्टर 2 भी है. तीसरा हमारा होगा 4. 4 से भी पूरा डिवाइड चला जाएगा और रिमाइंडर नहीं बचेगा. एक हमारा होगा 23. नेक्स्ट होगा हमारा 46 और लास्ट होगा हमारा 92. सो दिस इज अवर आंसर. 46 टू जा 92 होता है. दिस इज अवर आंसर. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी, सी, ई, एफ, जी एंड एच, Do yourself on your maths notebook. Write all the factors of. Now, we will solve the question number 4. Write 3 factors of following other than 1 and number itself. नीचे दिए गए digits के हमें ऐसे factors लिखने हैं 3, जो एक तो 1 नहीं लिखना है, दूसरा नंबर इटसेल्फ नहीं लिखना है. इनके अलावा 3 फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इन डिजिट्स के, वह हमें राइट करने हैं. तो हम सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन ए. सो सॉल्यूशन ए, 42 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 हमें लिखना नहीं है और हमें 42 के 3 फैक्टर्स लिखने हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस डिजिट में पीछे यानी वंस की प्लेस पर 2 होता है वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाती है, मींस ये 2 का फैक्टर है. और एक हमारी होगी 3, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. और एक हमारी होगी 14, इसमें हमारी 6 भी हो सकती थी, क्योंकि 6 7 जब 42 होते हैं. तो हमने ये 3 फैक्टर्स लिख दिए 42 के, जिसमें हमने 1
और नंबर इटसेल्फ यानी 42 का यूज़ नहीं किया है। एक और हम देख लेते हैं सॉल्यूशन सी का, देख लेते हैं सी है हमारा 85। अब 85 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं, वह फैक्टर्स लिखने हैं जो 1 ना हो और नंबर इटसेल्फ ना हो। तो हमारा सी का होगा आंसर 5। जिस डिजिट के वंस प्लेस पर 5 होता है वह हमेशा 5 से डिवाइड हो जाती है, यानी इसका एक फैक्टर है 5। और सेकंड होगा हमारा 17। 17 5 जो 85 होता है। तो हमें पता चल रहा है कि 17 के अलावा इसका थर्ड फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा। सो हम इसमें लिख देंगे थर्ड फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अवर आंसर। क्योंकि 85 का थर्ड फैक्टर पॉसिबल नहीं है, मीन्स कोई भी डिजिट 85 में डिवाइड करने पर हमें बिना रिमाइंडर के नहीं मिलेगी, यानी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 0 सिर्फ इन 2 डिजिट से डिवाइड करने पर ही होगा, यानी सिर्फ ये 2 फैक्टर पॉसिबल हैं, थर्ड फैक्टर इज नॉट पॉसिबल। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी, डी एंड ई डू योर सेल्फ ऑन योर मैथ्स नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, हमें इन डिजिट्स के कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करने के लिए 20 और 32 के फैक्टर्स को अलग अलग निकालेंगे और राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन 5 का ए। सॉल्यूशन 5 ए, हमारी फर्स्ट डिजिट है 20, सेकंड है हमारी 32। अब हम 20 के फैक्टर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 6 से हमारा डिवाइड नहीं होगा, 27 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10। अब इसके बाद ये नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा, मींस किसी भी अन्य टेबल में हमें 20 नहीं मिलता। अब 32 के फैक्टर्स राइट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा हमारा, 7 भी नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 होगा, क्योंकि 16 2 जा 32। इसके अलावा अब 32 स्वयं होगा। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू, कॉमन फैक्टर हमारे क्या होंगे, ध्यान से देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। कॉमन का मीन्स होता है दोनों में जो डिजिट एक जैसी आ रही हो। तो हमारा सबसे पहले तो है 1, सेकंड है हमारा 2 और थर्ड है हमारा 4। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। सो 1 2 एंड 4, ये है हमारे कॉमन फैक्टर 20 और 32 के। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी एंड सी,
डू योर सेल्फ ऑन योर मैथ्स नोटबुक. टुमारो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. गुड बाय.